अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज बल्लू, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यार आज का जो व्लॉग है वो है मेरा काम, मतलब जो मेरा वर्क है, मैं क्या काम करता हूँ आपको आज पता लग जाएगा मेरा काम असल में क्या है। वैसे तो आपको शायद पता हो ऐसे फ्रिज रिपेयरिंग का काम है, तो आज मैं आपको एक फ्रिज बनाना, मुझे कंप्लेन आई है कस्टमर की, तो फ्रिज बनाने जाना है। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट सामान लेने, फ्रिज का सामान हमें चाहिए क्योंकि कुछ ज़रूरत पड़ती है सामान की, फिल्टर वगैरह पिन वाल वगैरह हमें चाहिए होगा तो वो लेने चाहते हैं, उसका हमें गैस भी लेनी हो तो हम वो मार्केट लेने जा रहे हैं। उसके बाद जाएंगे हम फिर उसके कस्टमर के घर पे, कस्टमर के वहाँ फ्रिज बनाना है, फ्रिज बनाते हुए आपको दिखाएंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी बाइक निकालने, और हमारी बाइक खड़ी होती है इधर मेरी दुकान में, और अंदर एक चीज और है जिसको हम मोहब्बत से पालते हैं, ये हमारा बछड़ा। हेलो भाई, नहीं खड़े होने का राजा नहीं है। तो ये मेरी शॉप है, अभी फिलहाल मैंने कुछ महीनों से इसको बंद करके रखी हुई है, तो फिलहाल गाड़ी वगैरह सामान मैं यहीं रखता हूँ। तो अभी हम निकालेंगे सिर्फ गाड़ी और मार्केट जाएंगे, लालू के क्या जो सामान की जरूरत है वो लेने जाएंगे हम। हमें ये वाला फ्रिज बनाना है, तो इसमें मसला जो है यहाँ से ये लीकेज है इसका, ये सेक्शन का पाइप और ये डिस्चार्ज वाला पाइप, पिन वाल वगैरह इसका सब चेंज होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको पहले फ्लैशिंग करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसमें बहुत ऑयल चढ़ा हुआ है, उसके बाद हम इसका काम करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल चढ़ा हुआ है, उसको पहले फ्लैशिंग करेंगे। ये देखें कितना ऑयल है इसमें, मुझे चैम्बर में काफ़ी ऑयल चला हुआ, सबसे पहले फ्लैशिंग आ गया, वरना हम अगर ऑयल नहीं निकालेंगे तो ये चौक पे चले जाएगा, बार बार चौकिंग होगी इसमें। तो अभी मिलता हूँ फ्लैशिंग पे। हर गैस चार्जिंग में हमें फिल्टर चेंज करना पड़ता है लाजमी, क्योंकि हमारी गैस एकदम क्लियर चलनी चाहिए। अभी हम निकाल लें फिल्टर, देखना आप फिल्टर कितना चौक पड़ा हुआ है, कि मैंने कैपरी तोड़ दी, आयल निकल रही, अंदर से फिल्टर बहुत चौक है, अच्छी टाइट फिनिशिंग होगी। बहुत ज़्यादा आयल चढ़ा हुआ है इसमें। अच्छा, अब हम निकाल लें सेक्शन का पाइप जिसको हमें फ्लैशिंग करनी है। सेक्शन के बाद से फ्लैशिंग होगी चैम्बर की पूरी। तो मैंने ये चैम्बर के बाहर निकाल दी है, अब मैं यहाँ लगाऊंगा पिन वन, तो इसकी हम करेंगे पहले फ्लैशिंग, और इसकी कंडेंसर की फ्लैशिंग होगी, उसमें आयल बहुत टपक रहा है। तो मैंने पिन वाल लगा दिया है कैप्सरी में, अब हम कर रहे हैं चैम्बर फ्लैश, और ये हमारा कंप्रेसर है। कितना स्माइल निकल रहा है, कहीं से दिखाइएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उस पर कितना ऑयल चढ़ा हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा इसको मैंने रोका है, होल्ड किया, ये देखें इसमें कितना ऑयल है पीछे कर। तो फिनिशिंग कर लेता हूँ मैं, फिनिशिंग के बाद आपसे मिलते हैं। आप हाथ देख सकते हैं इसमें कितना ऑयल है, कितना गंदा है, तो तकरीबन जो फिनिशिंग हो गया है, लेकिन हम इसको अभी वो मदद करेंगे ताकि कुछ ज़रा सा भी ऑयल वगैरह नहीं, बिल्कुल फ्रेश चलेंगे क्लियर। उसके बाद हम करेंगे कंडेंसर भी, क्योंकि देखें कंडेंसर से कैसा ये ऑयल निकल रहा है। तो देखें आप कितना इसके कंडेंसर में ऑयल निकला है, और अभी मस्जिद में इसको फ्लैशिंग कर रहा हूँ। तो बहुत लोग समझते हैं बहुत आसान है फ्लैश की फ्लैशिंग करना, नहीं आसान नहीं है भाई, अक्सर ये गले में भी आ जाती है जब चौक हो जाता है। तो करते हैं फिनिशिंग, फिर मिलते हैं आपसे। तो इसका ये ट्रे कंडेंसर भी लीक था, ट्रे कंडेंसर पहले या बेसमेंट कंडेंसर, तो ये इसका मैं इस पर लगा रहा हूँ ताकि वो कंडेंसर की जगह है उसको कवर कर ले। अभी हम इसको लगा देते हैं, बाकी इसकी फिटिंग करते हैं।
तो मैंने कंडेंसर लगा दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो अब मैं इसको वेल्डिंग कर रहा हूँ, इस पर लगेगा पीजल कटार का। तो हमने कंडेंसर के टाके लगा दिए हैं, अब हम इसको एक दफ़ा और फ्लैश कर लेते हैं। फ्लैश करने के बाद फिर इसका टाका लगा के फिर इसमें सारे टाके जो है इसके लगाएंगे। अभी हमारे ये डिस्चार्ज का टाका बाकी है, ये लगाते हैं फिर चेक करते हैं यहाँ से। ठीक, रेडी। तो सारा काम हमने कर दिया है, खाली हम इसके कैपर चेक कर रहे हैं, चौक वगैरह तो नहीं है। अभी हम चेक कर रहे हैं सेक्शन पर हाथ रख के और इसको हम फिरा देते हैं। तो इसने ये पी ली अच्छे तरीके से, लेकिन हम एक दफ़ा और ट्राई कर लेते हैं। तो माशाल्लाह इसकी कैपर अभी तक तो बिल्कुल ओके चल रही है, इसका सारा आयल वगैरह निकाल दिया है। अब इसमें हम लगाते हैं फिल्टर, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट है असल। तो इसका फिल्टर लगा दिया, इसमें वेल्डिंग बाकी है, उसके बाद इसको करेंगे हम वैक्यूम। वैक्यूम करने के बाद डालेंगे फाइनल हम उसमें गैस। अब हम लोग कर रहे हैं वैक्यूम, जितनी भी इसकी एयर है वगैरह सब बाहर खींच लेंगे। इस तरीके से वैक्यूम होगा, इसको मैं वैक्यूम पे लगा रहा हूँ और इसको कम से कम भी 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे वैक्यूम करने में। ये जो हमारा काटा है बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा, तो समझ लें वैक्यूम हो गया। तो अभी इसको हम वैक्यूम होने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई कंप्लीट वैक्यूम हो चुका है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कोई एयर वगैरह नहीं आ रही डिस्चार्ज में। तो हम इसको अभी लॉक कर देते हैं, उसके बाद 5 मिनट देख लेंगे कि काटा ऊपर नीचे जो आ रहा है, लीकेज वगैरह तो हमने खैर चेक कर ली थी। उसके बाद इसमें हम गैस डालेंगे। तो ये हमारा वैक्यूम हो चुका है माशाल्लाह। ये मेरा असल काम है, ये काम नहीं जो आप देख रहे हो, असल काम मतलब जो वीडियो वगैरह जो आजकल मैं बना रहा हूँ कॉन्टेंट वगैरह, ये तो मुझे अब ख्याल है, लेकिन असल काम मेरा ये है, मेरा मेरी अपनी शॉप वगैरह है। कभी काम वाम कराना तो कमेंट्स कर देना, पहुँच जाऊँगा, लेकिन कराची में करना, कराची से बाहर नहीं करना। तो अभी वैक्यूम को थोड़ा सा कर लेते हैं, वैक्यूम अगर टूटता नहीं है तो फिर इसमें गैस डालते हैं, फिर गैस डालते हैं आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह वैक्यूम इसका बिल्कुल अपनी जगह होल्ड है, जहाँ हमने काटा छोड़ा था। तो हम इसका वैक्यूम पहले थोड़ा तोड़ते हैं, पहले फ्लैशिंग कर लें गैस थोड़ी सी, गैस एयर लेकर के। अब इसमें हम थोड़ी सी पहले गैस छोड़ देते हैं ऑन करने से पहले, ताकि जो वैक्यूम वगैरह टूट जाए। गैस में गैस चले गई है, इसमें हम छोड़ देते हैं तकरीबन 10 का प्रेशर। तो वैक्यूम हमने तोड़ दिया, अब हम जा रहे हैं फ्रिज ऑन करने, और हमारी फिर गैस चलना शुरू हो जाएगी। तो फ्रिज ऑन हो गया है, अब इसमें हम गैस डालते हैं। चलो चलो इसमें गैस जलती है, डिस्चार्ज का पाइप उठना शुरू हो गया है, ये गर्म होना शुरू हो जाता है। समझ लें आपके फ्रिज बिल्कुल सही चल रहा है, क्लियर है। अभी थोड़ी देर हम चेक कर लेंगे, चोकिंग वगैरह तो नहीं जा रहा अभी, तो फिलहाल माशाल्लाह सही चल रहा है, गैस इसमें स्लो स्लो जा रही है। तो फिर माशाल्लाह हमारा फ्रिज कंप्लीट तैयार हो चुका है, ये हमारे भाई का फ्रिज था, ठीक है ना भाई? ठीक है, मुतमईन है? हाँ, तो भाई मुतमईन हो गए, फाइनल फ्रिज हो गया। तो अब आपको कूलिंग वगैरह भी चेक करा देता हूँ, देख रहे हैं माशाल्लाह कैसे धुआंधार कूलिंग हो रही है, अल्लाह पाक हमेशा ऐसे रखे इस कूलिंग को। नीचे भी कूलिंग इंशाल्लाह एक घंटे के अंदर आ जाएगी। तो यार आज का जो वीडियो है हम यही ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।